हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के रेलवे के सारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला पार्ट है और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस उठाए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के इस पार्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, एमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन पहला विभवांतर, दूसरा धारा, तीसरा हृदय की धड़कन और चौथा प्रतिरोध। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, धारा। अमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, नाड़ी दाबांतर मापी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? पहला हृदय की धड़कन, दूसरा नाड़ी दर, तीसरा शरीर का तापमान और चौथा रक्त दाब। राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। प्रश्न नंबर तीन है, मालाबार का अन्य नाम है, पहला तमिलनाडु का, दूसरा आंध्र प्रदेश का, तीसरा केरल का, चौथा कर्नाटक का। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तीसरा विकल्प सही है, केरल का अन्य नाम मालाबार होता है या फिर मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर चार है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को ही सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर फाइव है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? पहला लेवोसियर ने, दूसरा कैवेंडिश ने, तीसरा मेंडलिफ ने या फिर चौथा लीनियस ने। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेंडलिफ ने। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलिफ ने किया। प्रश्न नंबर छह है, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? पहला हीलियम, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा लिथियम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का पदार्थ हाइड्रोजन है। प्रश्न नंबर सात है, ग्रेफाइट तथा हीरे दोनों किसके अलग किस्में हैं? तो पहला दे रहा है जिंक, दूसरा सीसा, तीसरा मैग्नीज और चौथा कार्बन। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ग्रेफाइट तथा हीरे दोनों कार्बन के किस्में हैं, अलग अलग किस्में हैं। इसे ऐसे ही पूछ देता है, ग्रेफाइट तथा हीरे दोनों किसके अपर रूप हैं, तो कार्बन ही उसका आंसर टिक कीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठवां है दोस्तों, आईने अकबरी लिखी गई, पहला अबुल फजल द्वारा, दूसरा अकबर द्वारा, तीसरा बीरबल द्वारा या फिर चौथा कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पहला, अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई। प्रश्न नंबर नाइन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? पहला 1942, दूसरा 1945, तीसरा 1939 और चौथा 1940। तो सिंपली ये तो हमेशा हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए जो भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर 1942 हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? पहला गुजरात, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान और चौथा हरियाणा। यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार होगा, बट मिस राइट हो गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अदर देश को साझा करते हैं, बट हरियाणा जो है किसी देश को सीमा के साझा नहीं करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है?
पहला ताप्ती, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी या फिर चौथा गोदावरी। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 12 है, हवा महल किस शहर में स्थित है? पहला आगरा, दूसरा जयपुर, तीसरा अहमदाबाद और चौथा दिल्ली। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जयपुर में हवा महल है। प्रश्न नंबर 13 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहला सिक्किम, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा है। प्रश्न नंबर 14 है, किसी वाहन में पश्च दर्शन दर्पण होता है? पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल लेंस या फिर चौथा अवतल दर्पण। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब कोई वाहन रहता है तो वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो भी हैंडल होता है उसके पास, जिससे पीछे की वो किसी भी चीज़ आने वाली चीज़ों को देखते हैं, वस्तुओं को या फिर किसी भी चीज़ को, तो उत्तल दर्पण के द्वारा ही देखा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? पहला तरंग दैर्ध्य, दूसरा आयाम, तीसरा तरंग का समयावधि या फिर चौथा आवृत्ति। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। प्रश्न नंबर 16 है, किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाया? पहला दे रहा है महावीर, दूसरा गौतम बुद्ध, तीसरा आदि शंकराचार्य और चौथा दलाई लामा। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। प्रश्न नंबर 17 है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? पहला टेनिस, दूसरा हॉकी, तीसरा स्क्वैश और चौथा बैडमिंटन। तो पीवी सिंधु ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन से संबंधित हैं, वो बैडमिंटन खेलती हैं। प्रश्न नंबर 18 है, वराहमिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है? पहला शासन कला, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा खगोल विज्ञान। तो राइट आंसर बताइए क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर खगोल विज्ञान से है। वराहमिहिर भारत के खगोलवेत्ता थे। प्रश्न नंबर 19 है, संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम लिखा गया? पहला दे रहा है कालिदास द्वारा, दूसरा शूद्रक द्वारा, तीसरा भरत द्वारा या फिर चौथा जयसी द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर शूद्रक होगा, शूद्रक ने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को लिखा था। प्रश्न नंबर 20 है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? पहला 364, दूसरा 365 और तीसरा 366 और चौथा 367। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? पहला 8 जुलाई को, दूसरा 8 अगस्त को, तीसरा 8 सितंबर को या फिर चौथा 8 अक्टूबर को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, सौर प्रणाली में पृथ्वी से हर ग्रह हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग होगा, यहाँ पे होगा सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से उसके बाद हर ग्रह है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है कि कौथी या फिर कितने स्थान पे है, ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि सूर्य के बाद बुध पहले पाता है, उसके बाद
शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है, इस तरह से क्रम जारी रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है तो तीसरे स्थान पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, पहला कलपक्कम में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा चेन्नई में या फिर चौथा मुंबई में। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक हैं, तो फेसबुक तो आप लोग चला ही रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा, ये आंसर तो फटाक से दे दीजिए। मैं बता देता हूँ, राइट आंसर मार्क जुकरबर्ग होगा, फेसबुक के यही संस्थापक और सीईओ हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये संविधान का क्वेश्चन है। तो पहला पूछ रहा है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रूस और चौथा फ्रांस। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में केवल यही 25 क्वेश्चन रहेंगे और अगला आपको कल फिर से मिलेगा। और ये रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए और अदर सारे एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस के पोर्शन उठाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना देर किए ये वीडियो देख लीजिए, और ये ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है।